फैमिली कैसे हो आप सब। आई हो सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज मैं घर पे ही हूँ और मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ। क्या नहीं पता? तो आज मैं अदरा नक्षत्र का थाली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो सिर्फ 15 दिन ही रहते हैं, तो वैसे मैं लेट हो गई हूँ, सबके घर में बन चुके हैं, मैं सिर्फ लेट हो गई हूँ। ये 22 जून से स्टार्ट था एंड 6 जुलाई तक लास्ट है, सिर्फ 15 दिन रहते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ अदरा नक्षत्र का थाली बनाने। तो इसमें क्या रहते हैं, इसमें होते हैं दाल भर के, मतलब दाल पूड़ी, खीर और सब्जी होते हैं, आलू परवल के बनते हैं, या तो बहुत जगह बैंगन आलू बनते हैं। मेरे छपरा में मेरी माँ बनाती थी बचपन में, आलू का सूखा सब्जी बनाती थी, एकदम अचार टाइप का, अचारी आलू। तो मैंने पहले सोचा कि मैं वही बनाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, उन्हें परवल आलू खाना है। तो मैं अपना आइडिया कैंसिल कर दिया आलू सूखा का। तो मैं पहले सोची थी कि मैं भी आपको शेयर करूँ अपनी माँ के हाथों का बचपन में, जो मैं मेरी माँ बनाती थी, क्या टेस्टी होते थे खाने। जब सच में माँ के खाने की बातें कुछ और होती है, और मैं हमेशा मिस करती हूँ अपनी माँ के हाथों का खाना, क्योंकि मेरी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। और शायद वही थोड़े मोड़े गुण मुझे भी मिल गए हैं कि मेरे खाने अच्छे बनते हैं। और आपने कभी खाए नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, पर जिसको जिसको खिलाती हूँ वो तारीफ ही करता है। एनीवेज, तो मैं आज वही थाली बनाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिहार में ही बनते हैं स्पेशल, और जगह बनते हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट बिहार में बनते ही बनते हैं। जब बरसात स्टार्ट होने वाली होती है तब बनता है। तो चलिए मेरे किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आपको मैं दिखा रही हूँ अभी ये दाल फूलने को डाल दिया था। दो सीटी से इसको उबाल लेंगे अच्छे से, इसमें नमक डाल दे रहे हैं, जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे इसमें, आधा छोटी चम्मच, जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं ना वैसे इसको कर लेंगे, दो सीटी में उबाल लेंगे, दो या एक सीटी। इसमें आलू भी डाल देंगे सब्जी के लिए, दोनों एक साथ उबल जाए, पक जाए दोनों एक साथ। इतना टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे फिर चिल्लाने लगेंगे खाने के लिए, तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया साथ में कि दोनों अच्छे से पक जाए, टाइम भी बच जाए। इसको मैं दो सीटी लगा दूंगी क्योंकि इतना उबलना चाहिए कि अच्छे से मैश हो। मेरे पति देव किचन में खाना बना रहा है, देखो सब पति यही करता है, खाना बनाता है, कुकर लगा रहे, खाना नहीं बना रहे हैं। ये मेरे से लगता नहीं है इसलिए लगा रहे हैं, कुकर खराब हो गया यार। सीटी नहीं मारता मैं लगाती हूँ, तो ये लगाते तो सीटी मारता है ना, हम तो डरता ना है। ऐसे में बड़ा सख्त लौट हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल। आप लोग भी कर अबार की हेल्प, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई नहीं करता होगा, प्यारी समझ गई। दाल पूरी के लिए, दाल के लिए मैं जीरा ऐसे फ्राई कर रही, भूंज रही हूँ इसको, इसे सौंधा सौंधा खुशबू आता है। सबके घर अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, मैं बचपन में जो देखी हूँ वही बना रही हूँ। मेरी माँ ऐसे बनाती थी, जीरा को फ्राई कर देती थी आग पे। मैंने फ्राई करने के बाद सब इसको दरदरा ऐसे पीस लीजिए, दाल को सूखे बिना पानी के, पानी नहीं जलाता है इसमें, सूखा दरदरा पीस लेना चाहिए। या आप तो पूर्णिमा भी है तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और आज ही गुरु पूर्णिमा के दिन में आज अदरा का नक्षत्र का खाना बना रही हूँ, खीर पूरी। तो आज बहुत शुभ दिन है। सब्जी के लिए प्याज और हरा मिर्च फ्राई हो रहे हैं,
बर्गर और आलू का आलूदम बनेगा। आज हम तो खीर और पूरी खाने वाले हैं। मम्मा मम्मा बना, तुमने होमवर्क कर लिया? यस, स्कूल का जितना भी होमवर्क मैं तो सब कर लिया। अच्छा, आज से बाबू का स्कूल भी स्टार्ट हो गया ना? अच्छा, स्कूल भी स्टार्ट हो गया मेरे लड्डू को? यस यस, है ना? अरे यार, अच्छा स्कूल गए थे ना? यस। कैसा लगा बहुत दिन के बाद स्कूल जाते हुए? अच्छा, मजा आया? यस यस। मम्मा आपके लिए क्या बना रही है? खीर है, पूरी। खीर है, पूरी। पूरी अब बोल रहे थे ना बहुत दिन से, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आज मैंने फाइनली बना रही हूँ बाबू के लिए। दाल पूरी एंड खीर और उसके साथ सब्जी। और क्या खाएगा बाबू? मैंगो। इसमें परवल डाल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। मतलब किचन मेरा मेसी है, इसलिए इग्नोर कीजिएगा, खाना बनाते टाइम में हो जाता है थोड़ा सा। इसमें परवल फ्राई कर रही हूँ, आलू दाल के साथ ही उबाल लिया था तो अच्छे से उबल गया था आलू। ये देखिए उबल गया है, अच्छे से इसको छिलका उतारना है बस। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मसाले के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। एकदम ऐसा स्मेल आ रहा है ना, जैसे शादी में नहीं बनता है परवल आलू की सब्जी, वैसा स्मेल कर रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। हम लग रहा है जैसे शादी में पूरी और सब्जी बनता है आलू परवल का, वैसे। टेस्ट करवा रही हूँ कैसा है, शादी वाला सब्जी है कि नहीं? यम्मी लग रहा है। अच्छा है, क्यों नहीं बनता है परवल आलू की सब्जी और पूरी है ना, वैसा ही टेस्ट है। और लीजिए ना। खीर की तैयारी कर रही हूँ, तो खीर के लिए मैंने चावल भिगो के रख दिया था। ये बासमती छोटे दाने वाले राइस है, तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था और इसको 10-15 मिनट मतलब धोने के बाद भिगो के रख दे रही हूँ 10-15 मिनट। और मैं ये खीर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बनते हैं खीर, पर मैं अगर झटपट बनाना रहता है तो मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को खीर बहुत पसंद है और वो जब भी बोलते हैं मम्मा मुझे खीर खाना है, तो मैं उन्हें कुकर में ही बना के देती हूँ खीर। और यकीन मानिए कुकर वाला भी उतना ही टेस्टी होता है जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं बर्तन में, वैसा ही कुकर का भी खीर बहुत टेस्टी होता है। तो मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, एक तो टाइम बचता है और जल्दी से बन भी जाता है और उतना ही टेस्टी भी होता है। तो मैं ये कुकर चढ़ा दिया और मैंने ये चावल का पानी निकाल दिया। अब मैं इसको चावल को कुकर में डाल रही हूँ, ये बहुत जल्दी बन जाता है खीर, टाइम भी नहीं लगता है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस कुकर में चावल डालेंगे एंड इसमें मिल्क डाल देंगे, तो उबला हुआ दूध डाल देंगे, पहले से उबाल कर ठंडा हुआ है, तो इसमें मैं आधा डाल देती हूँ और आधा पकने के बाद, और ज़्यादा भी नहीं डालिए नहीं तो विसल से बाहर गिरने लगेंगे दूध, इसलिए हिसाब से दूध डालें। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, इसे मिला देते हैं। फिर इसे और डाल देती हूँ बस। अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी, अब बस एक सीटी में एक विसल में इसको मैं उतार लूँगी, क्योंकि पहले से मैंने 15 मिनट इसे भिगो के रखा था तो वैसे भी ये फूल गए हैं राइस, उसके बाद एक सीटी लगेगा तो पक जाएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, तो ड्राई फ्रूट के लिए मैंने किशमिश लिया है, काजू लिया एंड आमंड लिया है, तो मैं इसको बारीक कर देती हूँ और दो छोटी इलायची ले लेंगे हरी वाली। ये देखिए चावल पूरा सिझ गया है, पक गया है मतलब।
अब इसमें मैं जो बचा हुआ दूध था मैं सारा डाल दूंगी दूध। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। तो जितने राइस लेंगे, इस कटोरी में मैंने राइस लिया था तो जितना मैंने राइस लिया था उतना ही मैंने चीनी डालना है इसमें। तो मैं इस कटोरी से राइस जितना लिया था उतने में चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिला देते हैं। इसमें छोटी इलायची हम डालेंगे। इसमें छोटी इलायची क्रश करके डाल देंगे। छोटी इलायची डालने के बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट को बारीक काट लिया है तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। इसको भी मिला दें इसमें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि पहले से चावल आपके पके हुए हैं तो बस 10-5 मिनट हम इसे उबाल देंगे। एंड खीर इज रेडी। सेम वही टेस्ट में जो हम बर्तन बनाते हैं पका के वैसे ही टेस्ट है, पर ये है कि ये जल्दी बन जाता है। उसके बाद इसमें एक हाई फ्लेम कर देंगे, एक उबाल आ जाएगा तो इसे फिर मैं लो मीडियम फ्लेम करके इसे 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। देखिए इसमें उबाल आ गया। अब मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी और 4 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। ये खीर समझ जाइए कि 10 या 15 मिनट में रेडी हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता खीर में, इसलिए जब भी मेरे बच्चे मांगते हैं मैं झट से यही खीर बना के उन्हें दे देती हूँ। तो मैं इसे लो फ्लेम पे रख देती हूँ 4 मिनट के लिए। तब तक मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। अदरा का थाली, खीर, दलपूरी, परवल आलू का आलू दम एंड आम। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को देने क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो उनका मैं रिएक्शन देखती हूँ कि उन्हें कैसा लगता है। करके बताइए कैसा बना है। कैसा बना? बाबू को दीजिए। बाबू को बेटा ले खाओ। कैसा बना बताओ? सब्जी खाओ, सब्जी मैंगो खाओ। ये कुछ दिख नहीं रहा है। कैसा है सिवाय? कैसे मम्मू बनाई? तो ये तो बिजी हो गए खाने में। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मुझे और भी बनाना है पूरी, तो मैं जा रही हूँ। और आप भी अपने घर में कौन कौन ये खाना खाए हैं अदरा का स्पेशल, अदरा नक्षत्र का खाना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लग रहा है अच्छे से बताओ कैसा लगा मम्मा बनाएंगी तो? बहुत अच्छा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो क्या बोले, बोलो जल्दी से। लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड
सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल पीपल्स मॉम बाय विनीता विनीता ओके बाय बाय कर दो बाय।